आप सभी को हेलो। मैं कहना चाहता हूँ कि सीयूईटी का जो प्रिपरेशन में हम लोग स्टार्ट किए हैं, इस प्रिपरेशन में हमारा एलआर और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों ही है। तो एलआर में मैंने जैसे सिलोगिज्म करा चुके, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में हम लोग पहला चैप्टर जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि ये सबको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जैसे आज मैं बेसिक पार्ट वन कराऊंगा, ठीक है। मतलब वो बेसिक है जो आप क्लास 9-10 में भी पढ़े हो, जिसका एप्लीकेशन 11-12 में भी है, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका जो पार्ट है सेक्शन 3 GTA का, उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं और कुछ ट्रिक्स के साथ, और आज मैं कुछ आपको नया ट्रिक्स बताऊंगा ताकि जिससे आपको फॉर्मूला याद करने में झमेला ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मूलाज के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल कराता हूँ, ठीक है। टेबल क्या जो हम लोग 9-10 में सीखे थे, वो एक टेबल मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक। जैसे देखो, टेबल करने का 2-3 तरीका है, मैं आपको 2-3 तरीका सब बताऊंगा, ठीक है। या फिर सबसे पहले इस तरीका से भी अच्छा है कि पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, उसके बाद टेबल करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो, एक ट्रिक बताता हूं मैं। जैसे मान लो कि हमारी ये जो ये हाथ है, ठीक है, इसमें सबसे पहले आप एंगल्स को लो कि ये 0 डिग्री है, थंब है 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60, 90, याद रहेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि आपको ना साइन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो कि साइन 60 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन 60 का फॉर्मूला क्या है? तो साइन 60 का फॉर्मूला है √ फिंगर्स बिलो, √ फिंगर्स बिलो / 2, ठीक है। ये सब ध्यान देना। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि ये 0 है, 30 है, 45, 60, 90 है ना। तो 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? 60 के नीचे 1, 2, 3, तीन है ना। 60 के नीचे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3/2, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू यही है। अब जैसे मान लो कि साइन 30 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला वही है, √√ फिंगर्स बिलो / 2। तो 30 ये था ना, 0, 30, 45, 60, 90, 30 ये था। तो 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं? एक है, तो √1/2। तो 1 का √1 होता है 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो साइन का हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, √ फिंगर्स बिलो / 2। ये भी इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग कॉस का बताते हैं। जैसे कॉस में, ठीक है, कॉस थीटा का अगर आपको निकालना हो वैल्यू, तो आप यूज कर सकते हो फिंगर्स एबव, ठीक है, फिंगर्स एबव / 2। देखो, अब जैसे मान लो कि आप कॉस 30 का वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है। तो कॉस 30 का वैल्यू कैसे होगा? 30 यहाँ था ना, 30 के ऊपर कितनी उंगलियाँ? 1, 2, 3, ठीक है। तो √3/2 ये कॉस 30 का वैल्यू है, ठीक है। सपोज आप कॉस 90 का वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है। तो 90 ये रहा, 90 के ऊपर कितनी उंगलियाँ? एक भी नहीं। तो इसका मतलब कि √0/2। देखो, 0 by anything 0 होता है, तो यानी कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। कॉस 0 का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो, कॉस 0 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0 ये था, 0 के ऊपर कितनी उंगलियां है? 4 है ना। तो ये हो जाएगा √4/2। तो कहने का मतलब कि 2/2, यानी ये हो गया 1। तो कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। चलो, एक और चीज समझा रहे हैं, टैन का कैसे निकलता है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे ना तो आपको फिर टेबल याद रखने का दरकार नहीं है, ठीक है। आप इजीली निकाल सकते हो। टैन थीटा का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, √फिंगर्स बिलो
बाई रूट ओवर फिंगर्स अबव, ठीक है, रूट ओवर फिंगर्स बिलो बाई रूट ओवर फिंगर्स अबव, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको 10.45 का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो 10.45 का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? 10.45 मिले, ये 45 है, तो 45 के नीचे 2 उंगली है, ठीक है, तो रूट ओवर 2, 45 के ऊपर 2 उंगली है तो रूट ओवर 2, तो ये हो गया 1, कर लिया, ये हो गया 1, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको 10.60 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो 60 ये वाली थी ना, 0, 30, 45, 60, 90, 60 ये वाली थी, तो 60 के नीचे कितनी उंगलियां है? 3, है ना, तो रूट ओवर 3, और 60 के ऊपर कितनी उंगलियां है? 1, तो रूट ओवर 1, तो ये हो गया रूट ओवर 3, तो 10.60 का वैल्यू रूट ओवर 3, ठीक है। एक और कर लेते हैं, 10.30 का वैल्यू निकालते हैं, 10.30, ठीक है, 30 ये था, फिर इसके नीचे कितनी उंगलियां है? 1, तो यहाँ रूट ओवर 1, और 30 के ऊपर कितनी उंगलियां है? 3, तो नीचे रूट 3, मतलब ये हो गया 1/√3, तो 10.30 का वैल्यू है 1/√3, समझ में आ गया। अब आपको वैल्यू याद रखने का भी दरकार नहीं पड़ेगा, है ना। तो फिर भी मैं टेबल में भी एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मान लो जैसे टेबल में जैसे मान लो यहाँ पे 0 डिग्री में ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। और जैसे मान लो कि अब यहाँ पे मैं साइन थीटा लिखा, यहाँ पे कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, और आगे और बनाते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, ठीक है। तो अब देखो एक लाइन आपको याद रखना है, ठीक है, जैसे 0 1/√2, √3/2, और ये 1, ये याद रखना होगा आपको, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आपको याद रखना है, बाकी का पूरा टेबल आपको फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, वो याद रखने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। जैसे साइन थीटा का वैल्यू अपने ले ले जैसे लाइन में आपको एक लाइन से याद रखना है, 0 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। अब जो कॉस का जो वैल्यू होता है ना, वो इसके पीछे से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो जिनका मैथ्स है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, अब आप एक मतलब फ्रेशली सीख रहे हो, इसको अच्छे से सीखो, मैं बहुत इजी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझाऊं, ठीक है, तो ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। कॉस का हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो पीछे से जब करेंगे तो ये 1 हो गया,
ये रूट 3/2 हो गया, ये 1/√2, ये हाफ और ये 0, ठीक है ना। कॉस का क्या करना है हम लोग को, पीछे से साइन का ही पीछे का वैल्यू उसको लिख देना है, पीछे का वैल्यू उसको यहाँ आगे से लिखते जाना है, ठीक है। टैन का मतलब होता है ना, देखो टैन का मतलब होता है, टैन का एक फॉर्मूला है वैसे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, टैन का ये फॉर्मूला है। तो अगर अपने साइन बाई कॉस करे यानी 0/1 करे तो 0, ठीक है। फिर 30 में भी सेम 1/2 होल बाई रूट 3/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/√3, यहाँ पे कट के 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 और यहाँ 1/0, तो 1/0, 0 जब भी नीचे आ जाएगा तो वो कोई वैल्यू नहीं माना जाता, उसे हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी कहते हैं, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्लियर है ये। वैसे कॉसेक जो होता है ना वो साइन का रिवर्स होता है, मतलब कॉसेक इज इक्वल होता है 1/sin, ठीक है, तो कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो इसका मतलब कि 0 है तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। हाँ, 1/2 का रिवर्स कर देंगे तो 2, 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का रिवर्स अगर कर देंगे तो 2/√3, और इधर 1 का रिवर्स 1, ठीक है। वैसे जो सेक है ना वो कॉस का रिवर्स होता है, तो 1 का रिवर्स 1, फिर यहाँ 2/√3, फिर यहाँ √2, फिर 2, फिर 0 का रिवर्स अनडिफाइंड, ठीक है। और कॉट जो है ना वो टैन का रिवर्स होता है, ठीक है ना, तो 0 का रिवर्स अनडिफाइंड, ठीक है। 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3 और अनडिफाइंड का रिवर्स 0। तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है, ये आपका पूरा टेबल है, आपको ये पूरा अच्छे से गो थ्रू करना है, इजी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। चलो वैल्यूज तो हमने जान लिया, ठीक है, अब हम लोग कुछ अलग फॉर्मूलाज जान लेते हैं जो काम आएगा बेसिक। और जैसे कि जैसे सपोज करो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 रहा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 90 के अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। बहुत जन को ये बात पता है, बहुत जिनको नहीं पता वो देख लो, ठीक है। 90 के अपोजिट साइड को अपने हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और मान लो कि आप यहाँ पे एक एंगल ले रहे हो, ठीक है, तो ये वाला साइड आपका बेस हो जाएगा, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एच से, और ये वाला फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो कि इस पे भी ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशंस है। अब क्या रिलेशंस हैं, जैसे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में इसको इम्प्लीमेंट करूं तो ये हो जाएगा, देखो याद रखना ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रख सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। कॉसेक जो होता है वो हम लोग पीछे अभी देखे हैं कि वो साइन का रिवर्स होता है, तो कॉसेक उस हिसाब से हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। सेक कॉस का रिवर्स होगा तो ये हो जाएगा एच बाई बी,
कॉट टैन का रिवर्स होगा तो ये हो जाएगा बी बाई पी। क्लियर है? तो ये आपके सारे फॉर्मूला जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और हैं, क्योंकि हम लोग ये बेसिक पार्ट कवर कर रहे हैं, तो बेसिक के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो जैसे पहला फॉर्मूला है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला कॉमन है, 9 10 का फॉर्मूलाज है। तो इसमें से अगर हम लोग अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो इस फॉर्मूला को आपको इस तरीके से भी याद रखना होगा, ठीक है, तभी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन थीटा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ का जो स्क्वायर उधर चला गया तो वह रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा सेकेंड फॉर्मूला है जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा आपको निकालना हो तो आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप लिख सकते हो 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से टेन थीटा हो जाएगा रूट ओवर 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नंबर 3, नेक्स्ट फॉर्मूला है जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें हम तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूलाज हैं। चलो अब एक बार ये देख लो, तो इसे गो थ्रू करना है अच्छे से। ठीक है, मैं बाकी फॉर्मूलाज भी बता दे रहा हूँ, जैसे बाकी फॉर्मूलाज हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, और वैसे ही कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। क्लियर है? सिमिलरली टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो टैन थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो ये भी फॉर्मूलाइज हैं, आपको ये भी याद रखनी है। क्लियर है? ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना होगा, जरूरी है ताकि आगे आप सम्स कर सको, और इजी है वैसे मेरे हिसाब से इजी है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे बेसिक में और थोड़ा बहुत बस फॉर्मूला बचा रह गया वो बता रहे हैं, जैसे टैन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, टैन थीटा को अपने ये फॉर्मूला, ये मैं पहले भी बताया था, टैन थीटा होगा साइन बाई कॉस। ठीक है,
वैसे ही अगर कॉट थीटा अगर आप लिख रहे हो तो कॉट एक्चुअली टैन का रिवर्स होता है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, समझे? ठीक है ना फ्रेंड्स। दूसरी बात ये बोलना है कि और जैसे हमारी जो भी सीयूटी के जो भी वीडियोस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे और हमारे ऐप पे, जैन ट्यूटोरियल ऐप और जैन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे फ्री आपको मिलेंगे, ठीक है? आप इसे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप ये शेयर करो ताकि हर फ्रेंड्स आपके, हर दोस्त आपके इस चीज का फायदा उठा सके, सीयूटी का प्रिपरेशन कर सके और अपने 100% लगते हैं इस बार सीयूटी देकर एक अच्छे कॉलेज, एक अपने ड्रीम कॉलेज को पा लेना, ठीक है?